नमस्कार दोस्तों, आपका NPTEL NCR के 34वें समरी सीरीज़ में आपका स्वागत है, जो कि फ्यूल प्रोसेसिंग पे ये समरी बेस्ड है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव में ये देखना है कि फ्यूल प्रोसेसिंग क्यों नेसेसरी है और डिफरेंट फ्यूल प्रोसेसिंग के कौन कौन से अप्रोच हैं और फ्यूल प्रोसेसिंग से रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज़ हैं। तो इन तीन चीज़ों पर इस समरी पार्ट में फोकस रहेगा। अब जैसा कि स्केमेटिक डायग्राम ऑफ टिपिकल फ्यूल सेल ऑपरेशन, तो ये क्या है कि एक लाइब्रेरी में जैसा कि हम परफॉर्म करते हैं वो डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है। तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन का एक सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन का एक सिलेंडर होता है। अब इससे हम क्या करते हैं कि फ्यूल की सप्लाई करते हैं फ्यूल सेल में, और फिर उससे क्या करते हैं, DC पावर ड्रा करते हैं। अब जैसे H2 और O2 का जहाँ सिलेंडर लगा है उसी के आगे लगा होता है, मतलब वहाँ से हम इनके फ्लो को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर कंट्रोलर भी लगा हुआ होता है, और फिर जो लोड होता है वहाँ से हम कंट्रोल मैनर में, मतलब यहाँ से करंट को हम ड्रा करते हैं। अब यहाँ हम देखते क्या हैं, यहाँ देखते ये हैं कि फ्यूल सेल पर, मतलब हम यहाँ एक तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं क्या, कि मतलब जैसे H2 को हम कभी कम कर दें, कभी O2 को कम कर दें, मतलब कभी एक पैरामीटर को कम, एक को एक्सेस, दूसरे को एक्सेस, पहले वाले को कम। तो ये सब करके हम देखते हैं कि जो करंट ड्रा कर रहे हैं उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है इन सब पैरामीटर का, और ये देखते हैं कि मतलब राइट अमाउंट ऑफ पावर के लिए कितना राइट अमाउंट ऑफ गैस चाहिए। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ड्राई वेट, मतलब हर तरीके का वेरिएशन करके देखते हैं, फिर कंक्लूजन हम ड्रा करते हैं। और ये जो प्रोसीजर दिखाया गया है ये लैब का है। तो यहाँ पर क्या है कि गैस से ही हम H2 और O2 का सप्लाई करते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो अब जैसा कि पता है कि हाइड्रोजन गैस, मतलब हाइड्रोजन के लिए हमें हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है, और हाइड्रोलिसिस मतलब अभी इतनी मात्रा में हाइड्रोजन नहीं अवेलेबल है कि आप हर जगह इसका यूज कर सकें। तो लोकली हम अलग अलग फ्यूल्स पाते हैं, तो उन फ्यूल को भी हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, फ्यूल सेल में उनको भेजते हैं, और फिर ऑक्सीजन की जगह हम एयर भेजते हैं। मतलब ये प्रैक्टिकली है, वो तो आइडियली था जब हम लैब में करते थे तब, ये प्रैक्टिकल लाइफ में है। तो फिर फ्यूल सेल से हम पावर ड्रा करते हैं, और ये जो ऑक्सिलरीज एंड कंट्रोल्स है, तो ये लगा होता है मतलब हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, मतलब फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, वही जो अभी ऊपर हमने जैसा देखा। तो फिर मतलब करंट ड्रा करते हैं और उससे हम फिर वेरिएशन वही चेक करते हैं। अब जैसे बात ये है कि फ्यूल प्रोसेसिंग क्यों नेसेसरी है, तो फ्यूल प्रोसेसिंग अभी जैसे हमने बताया कि हाइड्रोजन के लिए क्या होता है कि हमें हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है। तो इसलिए जैसे हाइड्रोजन के अलावा, मान लो अभी यहाँ देखें कि जैसे लैब में क्या होता है कि H2 अवेलेबल है, लेकिन मतलब छोटे सिलेंडर होते हैं, लेकिन यहाँ अदर फ्यूल या रिफार्मर्स को भी हम यूज कर सकते हैं। तो अब फ्यूल प्रोसेसिंग क्यों ज़रूरी है, यही कि हाइड्रोजन एक तो ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता, अवेलेबिलिटी किसी दूसरे फ्यूल की होती है, तो उसको भी हमें फ्यूल सेल में भेज के चेक करना होता है। और टाइप ऑफ फ्यूल सेल, मतलब ये फ्यूल सेल पर भी डिपेंड करता है, वही अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, नीचे भी वही लिखा है कि हाइड्रोजन वर्सेस अदर फ्यूल, और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये मतलब तीन चार पॉइंट्स हैं जिनके लिए हम फ्यूल प्रोसेसिंग करते हैं। अब फ्यूल प्रोसेसिंग मान लीजिए जैसे कि आपने मतलब जैसे कि अभी तक क्या था कि हाइड्रोजन था, अब हाइड्रोजन की जगह आपने मीथेनॉल भेज दिया, ठीक है, मीथेनॉल भेज दिया, तो आप फ्यूल प्रोसेसिंग क्या करेंगे, आप उससे हाइड्रोजन अलग करने की कोशिश करेंगे फ्यूल प्रोसेसिंग में। तो वैसे देखिए अब कौन कौन से फ्यूल प्रोसेसिंग के प्रोसेस होते हैं, जैसे स्टीम रिफॉर्मिंग, तो इसमें क्या है कि फ्यूल में हमने क्या ले लिया, कोई भी मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंपोजिशन, कोई भी जो मिले हम उसको स्टीम के साथ मिला करके भेज देंगे। अब उससे क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा, तो जो हाइड्रोजन बन रहा है इसी का तो हमें यूज करना है। अब ये जो रिएक्शन होती है इसमें क्या है कि हमें अपने पास से टेम्परेचर देना पड़ता है, तो इसके लिए हमें रिएक्टर्स डिजाइन करने पड़ते हैं, जो मतलब टेम्परेचर अगर हमें ज़्यादा देना होगा तो लार्ज एंड हैवी होते हैं, इसमें कैटलिस्ट भी होता है जो कि निकिल होता है, और इससे क्या है कि हमें मतलब टेम्परेचर देना पड़ता है, मतलब इंडोथर्मिक है। अब
पार्शियल ऑक्सीडेशन में क्या है, वही कि हम कोई भी फ्यूल ले लें जो भी मतलब लोकली अवेलेबल रहता है, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंपोजिशन है, एयर के साथ भेजे तो एयर में नाइट्रोजन होता है, तो आपको पता है कि प्रोडक्ट में नाइट्रोजन बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन। अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ टेम्परेचर मतलब निकलता है, मतलब ये एक्सोथर्मिक है, जहाँ तक 1000 डिग्री सेल्सियस तक इसमें टेम्परेचर निकलता है। अब टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इसमें कोई कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी रिएक्शन फास्ट होती है। अब थर्मल रिफॉर्मिंग है। अब जैसे दो प्रोसेस किए तो हमें पता चल गया कि भाई दिक्कत है, कहीं टेम्परेचर देना पड़ रहा है तो कहीं टेम्परेचर लेना पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या किए, अब ऐसे में हुआ ये कि हम अब एयर और स्टीम दोनों को मिला करके ये मतलब कोई भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन के कंपोजिशन के साथ मतलब ये फ्यूल है, इसमें एयर और स्टीम मिला करके भेज दिए, तो अब क्या कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन नाइट्रोजन सब बनेगा। अब इसमें क्या है, ऊपर एक रिएक्शन में हमें हीट दे रहे थे, एक में क्या था कि हीट ले रहे थे, तो अब यहाँ ना तो हीट देने की ज़रूरत ना तो यहाँ हीट लेने की ज़रूरत। तो ये सब रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से रिएक्शन होते हैं कि फ्यूल प्रोसेसिंग में, तो ये सब। अब आउटपुट क्या है, जैसे अब हमने रिफॉर्मिंग कर दिया, तो मतलब जो गैसेस थी उनकी हमने रिफॉर्मिंग किया, तो इससे क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ये सब हमें मिलते हैं। तो अब इनको भी, क्योंकि हमें काम तो हाइड्रोजन का है, तो अब इनको दूर करने के लिए क्या है, देखिए वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, इसमें क्या है कि हम H2O को मिला देते हैं, तो CO H2O मिलके क्या बनाता है, देखो CO2 + H2। तो इससे एक फ़ायदा और है कि हाइड्रोजन मतलब थोड़ा और बना देता है, अगर पहले 40% रहता होगा तो अब 50% हो गया, और कैटलिस्ट जैसे आप लोग देख रहे हैं कि Fe3O4 CuO ZnO, अब ये सब याद हो सकता है, पूछा जाए, हो सकता है ना पूछा जाए, लेकिन अगर याद कर सकें तो याद कर लें। अब सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन या प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन, इसमें क्या है कि हम डायरेक्ट O2 का सप्लाई कर देते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और O2 मिलके कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी तरीके से हमारे रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता है। और जो इसमें हम कैटलिस्ट यूज करते हैं रुदीनियम, और इसमें क्या है कि एल्युमिना का सपोर्ट होता है, मतलब इन सब कैटलिस्ट को डिस्पर्स करने के लिए हम एल्युमिना का भी यूज करते हैं, और Cu and ZnO ऑन एल्युमिना आल्सो यूज्ड। तो अब समरी में हम पूरे पहुंच जा रहे हैं कि समरी में भी हम समरी देख रहे हैं कि फ्यूल है, फ्यूल में सबसे पहले क्या हुआ कि हमें हाइड्रोजन ज़्यादा मिलता नहीं, मतलब हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है, तो उसकी जगह हम दूसरा फ्यूल यूज करके देख रहे हैं। तो उसके बाद क्या हो रहा है कि मतलब हमें रिफॉर्मिंग करने, जब दूसरा फ्यूल यूज करते हैं तो हमें रिफॉर्मिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, तो जो भी हमारे रिफॉर्मिंग, स्टीम रिफॉर्मिंग, पार्शियल ऑक्सीडेशन, ऑटो थर्मल रिफॉर्मिंग करते हैं, उसके बाद अब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब बन जाता है, तो उनको रिमूव करने के लिए वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन और सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन, प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन मतलब ये करते हैं। उसके बाद क्या है कि अब फ्यूल को हम एनोड पे भेज देते हैं। अब कौन कौन से इश्यूज हैं इससे रिलेटेड, अब इश्यूज है कि ये जो सिस्टम है पूरी तरीके से कॉम्प्लेक्स हो जाता है रिफॉर्मिंग करने की वजह से। दूसरी बात, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रेजेंस होता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड दिक्कत क्या करता है कि पूरी तरीके से रिएक्शन को जाम कर देता है। अब रिस्पॉन्स टाइम क्या है कि जैसे इससे क्या होता है कि जो जैसे मान लीजिए आप गाड़ी में बैठे हैं और आप मान लो कि या मोबाइल आप क्लिक कर रहे हैं, अब मोबाइल पर आपकी एक बटन पे क्लिक कर रहे हैं, लेकिन वो रिस्पांस उतनी जल्दी नहीं दे रहा है, देर से दे रहा है, मतलब टाइम ले रहा है। लेकिन आजकल किसको समय है कि किसी के रिस्पांस का हम वेट करें, तो इसलिए ये भी एक तरीके से इसके साथ इश्यू है। और ये स्टार्ट और वही रिस्पांस टाइम की बात है कि स्टार्ट होने में और शट डाउन होने में क्या है कि ये देर लगता है। तो जैसे मान लीजिए आप इसको ऑटोमोबाइल में यूज कर दिए, तो अब क्या है कि मान लीजिए आप स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा 5 मिनट ले रहा है, और या मान लो शट डाउन होने में 5 मिनट ले रहा है। तो यही सब इसके साथ इश्यू हैं, और हम अगला पार्ट जल्दी अपलोड करेंगे, तो आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप लोग अगर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए। धन्यवाद दोस्तों।